नमस्ते खानों के शौकीन, आज हम आपके लिए लाए हैं समा के चावल जो व्रत में भी यूज होते हैं। काफी ट्रेडिशनल चावल है ये, तो सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। हेलो, इसके लिए समा के चावल एक कटोरी, दो पोटैटो काटे हुए, थोड़ी सी पीनट ऐसे फ्राई करी हुई, तेज पत्ता, तीन चार हरी इलायची, तीन चार लौंग, और थोड़ी सी दो तीन छोटी छोटी दालचीनी के पीस ऐसे काटे थोड़े हुए, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च काटी हुई, काली मिर्च और नमक और तेल बनाने के लिए। हमें हम चावल बनाना पुलाव चावल का समा के चावल का पुलाव बनाना हम शुरू करते हैं। ऐसे इसमें ऑयल डाल लेंगे 2 टेबल स्पून, आप घी में भी बना सकते हो, हम रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। चुका है, इसमें हम 1 स्पून जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे ऐसे, और 3-4 लौंग डालेंगे, दालचीनी के पीसे डालेंगे, और इलायची को ऐसे तोड़ के हम ऐसे बीज निकाल के उसे डालेंगे इसके अंदर। अभी हम इसमें काटे हुए जो 2 मीडियम साइज के पोटैटो डाल देंगे, हो चुके हैं। अब इसमें हम ये छोटा छोटा काटा हुआ अदरक और छोटी हरी मिर्च डालेंगे, 1 हरी मिर्च हमने काटी है, छोटा सा अदरक का पीस डाला है, और इसमें थोड़ा सा चलाएंगे, हाफ स्पून काली मिर्च डालेंगे, और वर्त वाला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारे जो चावल है इसको हमने धो दिया, अब इसके हम डाल देंगे ऐसे, अभी फ्लेम हमारी मीडियम फ्लेम पे हमने बनाया है इसको। हमारा एक कटोरी ये चावल है, अभी 1 गिलास हमारा चावल है, अभी हमें 2 गिलास में पानी डाल देंगे, और थोड़ी इसको थोड़ी देर में पानी सूखने तक पकाएंगे। जब तक हमारे ये चावल तैयार हो रहे हैं, पुलाव तैयार हो रहे हैं, तब तक हम इसके साथ खाने के लिए रायता बना रहे हैं, ककुम्बर का रायता। ऐसे दही को 2 कटोरी हमने दही ली है, इसको ऐसे अच्छे से फेंट लेंगे। हम जो वर्त वाला नमक, सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी काली मिर्च। एक हीरे को ऐसे उसको छील के और ऐसे उसका ग्रेट कर लिया उसको, अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऐसे, खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। बस हमारा रायता बन के तैयार हो गया, बहुत 2 मिनट भी नहीं लगते इसमें बनने में। देखिए दोस्तों, बन के तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। इसको रायते के साथ खाइए या दाल के साथ खाइए, ये व्रत में खाया जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ज़रूर बनाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।